कामिया जल्दी करो बेटी, कॉलेज के लिए देरी हो रही है। आप भी हद करते हैं। कामिया की बात तो समझ में आई, कामिया का तो आज कॉलेज का पहला दिन है, लेकिन आप क्यों इतने उतावले हो रहे हैं? पता नहीं इस लड़की को भी कब अकल आएगी। अकल की बात कर रही हो? अरे कामिया इज ऑलरेडी वेरी इंटेलिजेंट, शी इज अ स्पेशल गर्ल। आपने ऐसी ही बातें कर करके उसे स्पेशल होने की फीलिंग दे दी है। आई एम रेडी। How do I look, Papa? Fantastic. As always. Good morning. Morning, Mama. Good morning, beta. जल्दी से आके नाश्ता कर लो। Mama, मैं कॉलेज आकर कर लूंगी। बेटा खाली पेट घर से बाहर नहीं निकलते। Mama, अगर हर लड़की ने आपकी तरह सोचना शुरू कर दिया ना तो उनका फिगर भी आपकी तरह हो जाएगा। काम्या, मॉडर्न होना ये नहीं सिखाता कि तुम अपनी तमीज ही खो बैठो। तुम्हारी मर्जी, खाओ या मत खाओ। देखो बेटी, मेरे ख्याल से तुम्हारी मम्मी ने ठीक कहा। मैंने ऐसा क्या कह दिया? अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं जरूर जाकर उनसे माफी मांग लेता। सॉरी मामा, देखो अब तो नाश्ता भी कर रही हूँ। तुझे इतनी हड़बड़ी मचा के क्या मिल जाता है बेटा? जाओ बेटा, तुम्हें देर हो रही है। ऑल द बेस्ट। Sudha Joshi. Kamya Behra. You're welcome. Have a seat. Wow, man. It's wonderful to make a friend right on the first day. Bahut acha laga. Thank God, अभी तक प्रोफेसर नहीं आया। हाँ, शायद प्रोफेसर भी तुम्हारी तरह क्लास में आने का टाइम भूल गया होगा। मुझे लगता है आप दोनों नहीं आई हैं। जरा प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना इंट्रोडक्शन तो दीजिए प्लीज। डोंट ट्राई टू एक्ट वेरी स्मार्ट, पहले आप बताइए आप क्या चीज हैं। ये हुई ना बात, अब मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। प्लेटफॉर्म पर जाने का बहुत शौक है क्या? नहीं शौक तो नहीं है, लेकिन मजबूरी जरूर है। डायलॉग बहुत अच्छे मार लेते। शुक्रिया, लेकिन क्या किया जाए, काम ही ऐसा है भाई। है? अब जब आपने मेरा नाम पूछ ही लिया है तो मुझे आपको मेरा नाम तो बताना होगा ना। सो ठीक है, मेरा नाम है भास्कर सिन्हा और इत्तेफाक से मैं आपका प्रोफेसर हूं।
अगर आप हमारे प्रोफेसर हैं तो यहाँ कैसे बैठे थे? अरे क्या हो गया, वहाँ बैठना मना है क्या? मना है क्या वहाँ बैठना? सर दिस इज रॉन्ग, अगर आप वहाँ बैठेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप कौन हैं? एटीट्यूड, आई लाइक इट, दैट्स अ स्मार्ट गर्ल. खैर ठीक है, मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन आपको दिया, अब आप यहाँ आके अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज. Hi, I'm Kamya. Kamya Mehra. My father is a colonel in the army. And we came here from Chandigarh to posting here in Bombay. But you know what? At least students should tell me who you are. You've got to be sporting, Kamya. That's for the fun of it. Come on. Now you come. You come. Sir, she's... No. Your introduction will come here on the platform. You come, please. Exactly, sir. She's... You will be silent. I've said this. You will be silent. You will be silent. आप बोलेंगे, आप आइए, कम प्लीज. ओके, मुझे इनका मूड कुछ ठीक नहीं लगता, तो भाई जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए प्लेटफॉर्म पे. सुधा, 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 एक्टिंग अच्छी कर लेती हो. एक्टिंग मैं क्यों करूंगी? एक्टिंग दूसरों के अटेंशन के लिए, और क्यों? मुझे नहीं चाहिए किसी की अटेंशन. तो फिर इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? ड्रामा? ये सब क्या कह रही हो तुम? ये सब तो चलता ही रहता है यार, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. अब मैं चलती हूँ. एक और ड्रामा, घर जा रही हो या कहीं और? अब बस करो कामिया. मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, तुम छोटी सी बात को लेकर सीरियस हो जाती हो. अच्छा ये बताओ, इतनी जल्दी घर जाके क्या करोगी? कुछ नहीं. तो ठीक है, मेरे घर चलते हैं. नहीं आज नहीं, किसी को घर पे बताया नहीं है, फिर कभी. एज यू विश. हेलो मिस सुधा जोशी, ऐसे भी क्या जल्दी है? आप यहाँ क्या करें? प्लीज आप यहाँ से चले जाइए. चले जाएंगे, चले जाएंगे. दुश्मन नहीं आशिक हैं आपके, हमसे घबराने की जरूरत नहीं. चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ. शेरोन स्टोन की एक नई फिल्म लगी है, साथ बैठ के देखेंगे. मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए. ठीक है, हम आपका पीछा करना छोड़ देंगे, आप हमारी बात मान लीजिए. आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो आप मेरा पीछा कर रहे हो? अच्छा कुछ नहीं किया आपने, तो क्यों लिखे लव लेटर्स मुझे? हाँ? मैंने लेटर्स? हाँ आप ही ने लेटर्स. वो लेटर्स अगर बाबूजी के हाथ लग गए तो? इसीलिए कहता हूं बात मान लीजिए, मेरी फायदे में रहेंगी. और अब तो आप कॉलेज में पढ़ रही हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा. देखिए मैं उस तरह की लड़की नहीं हूं, प्लीज आप मुझे गलत समझ रहे हो. ओ कम ऑन. Sorry, it's my fault. Excuse me.
see you then. Fine. Okay, we have to make a nice plan, okay? माफ कर रही हो? तुम कहाँ जा रही हो काम्या? घर जा रही हूँ, यहाँ पे बहुत बोर हो गई हूँ। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। क्या हुआ? प्लान कैंसिल हो गया? I just wish I could help you, sweetheart. नहीं, मैंने तुम्हारे घर आने से इनकार किया। मुझे लगा शायद तुम्हें बुरा लगा होगा। Just forget about it. चलो, कम। नहीं, वहाँ से नहीं, यहाँ से। क्या हो जाता है तुम्हें कभी-कभी? But you know, it's nice to know कि तुम भी मेरे तरह मूड हो। चलो, let's go. नमस्ते नमस्ते इंडियन कल्चर की ब्यूटी कुछ और है आई लाइक इट मामा सुधा हेलो सुधा नमस्ते आंटी हेलो नमस्ते कहो ये हमारा कल्चर है नमस्ते सुधा बेटी What a beautiful girl. She's lovely. इसे कहते हैं खूबसूरती। आप लोग कहीं जा रहे थे? हाँ, हमें रेजिमेंट के फंक्शन पे जाना है बेटी। हम रात को 9 बजे तक लौटेंगे। तुम डिनर कर लेना। ओके। Have a nice time. Enjoy yourself. Bye. Bye, darling. Bye. Bye. जल्दी परेशान क्यों हो जाती है आराम से बैठ जा क्या हुआ कमिया मेरा आई कार्ड खो गया है सबको पता देना चाहिए ना कि मनोज आया है चल 100 रुपए निकाल 100 रुपए हाँ निकाल ना 100 रुपए यार मजाक मत कर घर से तू आ रहा और पैसे मुझसे मांगता है ओए यार मैं कैसे आया मैं ही जानता हूँ यार सारे पैसे तो रास्ते में खर्च हो गए यार तू मैं क्या करूँ यार चल चुपचाप अपने काम पे लग जा चल अबे नीचे टैक्सी खड़ी है मुझे भाड़ा देना है क्यों मेरी इज्जतें कच्चा कर रहा है तू लड़की पे पैसे खर्च करने हैं तो झट से पॉकेट से पैसे निकल आते हैं बॉस टैक्सी का मीटर डाउन है ऐसे टेंशन में तू लड़की की याद दिला रहा है यार मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है नहीं है नहीं है पर्स चेक कर ले देखो हाँ कहाँ है पर्स तकिए के नीचे ना तू तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि तकिया नहीं तेरी बीवी हो पहले बता दे कि कौन कौन सी चीजों को हाथ नहीं लगाना है बात मत कर यार तू दिमाग क्यों खाता है देना पैसे अच्छी बेशरम आदमी है यार तू तो सिर्फ 100 रुपए जी ले मर मर जा अपना कहना एक असूल है जिसने करी शर्म उसके फूटे करम थैंक यू Thank you.
सुधा तेरी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, कौन सा पैक लगाती है? कोई नहीं। Don't tell me that now. अच्छा आईब्रोज तो शेप कराती है ना? नहीं, नहीं। That's terrific, man. You're lucky. Okay. Between friends, अपने BF के बारे में बताना। हाँ, ये बॉयफ्रेंड यार। अब इसमें शर्माने की क्या बात है? हाँ? अच्छा एक बात बताओ, we are friends? Good. तो मुझे बताओ, काम्या तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती हो? ऐसा कुछ नहीं है। सुधा यकीन उस इंसान का किया जाता है जो साफ बोलता है। तो क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? नहीं, but I know you're a good actress. अच्छा तुम ही मुझे बताओ, तुमने घर जाने का इरादा क्यों बदला? किसी और के साथ डेट पर जाना था ना? प्लीज अब बस में करो कामया। I'm sorry यार, प्लीज just stop behaving like a school girl. I can't handle it. We're friends no? We're friends. Sorry. Yeah, music सुनते हैं। मैं सीडी कलेक्शन देखोगी ना? तुम्हें कौन सी सीरीज अच्छी लगती है? I mean, कौन से म्यूजिशियन अच्छे लगते हैं? Hey, बताओ ना कौन से गाने सुनोगी? प्लीज आई एम सॉरी, मेरा गुस्सा अच्छा नहीं होता। अच्छा चलो एक फिल्म देख। मुझे जाना ही था, वो यहाँ आई क्यों? घर से पहली बार निकली हो क्या? बहुत देर हो गई है, प्लीज। Just stop behaving like a homesick baby. चलो, क्या करती हो यार तुम? प्रॉब्लम क्या है? लगता है तू अपनी फैमिली के साथ बहुत अटैच्ड है। नहीं, मैं किसी से भी अटैच नहीं हूँ। सुधा तुम्हारा ये स्ट्रेंज बिहेवियर मेरी समझ के तो बाहर है। दरअसल काम्या, मेरी फैमिली का माहौल तुम्हारी फैमिली के जैसा नहीं है। मतलब तुम्हारे मम्मी पापा अच्छे नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है, साफ साफ कहती क्यों नहीं? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? माँ पिताजी के अलावा मेरी छोटी बहन रेनू और बड़ा भाई प्रकाश। That's nice. भाई के साथ झगड़ा करने में तो बहुत मजा आता होगा। काम्या, मैं यहीं उतर जाऊंगी। यहीं पर है तुम्हारा घर? नहीं, मेरा घर थोड़ा आगे है। हाँ तो ठीक है, वहीं पर छोड़कर आती हूँ। नहीं, मैं यहीं से पैदल चली जाऊंगी। It's height of everything, Sudha. Why are you so mysterious? Kamya, please, मेरे लिए यही उतरना ठीक रहेगा। Okay, as you wish. Driver जा गाड़ी साइड में लगाना। Bye, Kamya. Bye. हेलो मिस सुधा जोशी।